वेल तो गाइज यहाँ पर जब भी आपकी GTA 5 लैग होती होगी आप क्या करते होगे? आप गाइज जाते होगे अपनी GTA 5 की ग्राफिक्स सेटिंग में एंड वहां पर अपनी वीडियो मेमोरी के हिसाब से ग्राफिक्स को लो या ज्यादा करते होगे। और यहाँ पर गाइज बहुत ज्यादा लोग पता है क्या सोचते हैं कि जितनी कम हमारी वीडियो मेमोरी की बार होगी उतनी हमारी गेम अच्छी चलेगी, उतनी हमारी गेम लैग फ्री चलेगी। बट गाइज क्या आपको पता है बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, ऐसा काइंड ऑफ है ही नहीं जो आप सोचते हो वीडियो मेमोरी के बारे में। इसीलिए गाइज यहाँ पर मैं ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको वीडियो मेमोरी के बारे में सब कुछ बताऊंगा एंड अगर आप सभी लोग भी अपनी GTA 5 के परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगी। वेल तो गाइज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेल तो गाइज सबसे पहले तो बात करें जो वीडियो मेमोरी होती है वो होती क्या है। अब गाइज आई नो ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है बट बेसिक से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइज जो वीडियो मेमोरी होती है वो आपके ग्राफिक्स कार्ड या फिर आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे डिपेंड करती है कि आपके ग्राफिक्स कार्ड में कितने GB VRAM है। अब गाइज अगर आपके पास 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको अपने GTA 5 में दिखेगी 4 GB की वीडियो मेमोरी एंड आपको यहाँ पर अपनी सेटिंग मिलेगी जिसको आप सभी लोग बढ़ाओगे कम करोगे तो आपकी वीडियो मेमोरी की बार बढ़ेगी और कम होगी और आपको पता लगेगा कि आपकी वीडियो मेमोरी कितनी यूज हो रही है। अब गाइज अगर आपकी GTA 5 लैग हो रही है और अगर आप अपनी वीडियो मेमोरी को कम कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या सच में वीडियो मेमोरी की प्रॉब्लम है। अब गाइज अगर आपको नहीं पता लगा मैं क्या बता रहा हूँ तो अच्छे तरीके से समझो। आपको गाइज सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है क्या वो इतना ज्यादा यूज हो रहा है और आपने जो वीडियो मेमोरी की सेटिंग्स की है वो आपके ग्राफिक्स कार्ड का फुल पोटेंशियल है, आपका ग्राफिक्स कार्ड उसके ऊपर नहीं दे सकता, तो इसका मतलब आपने जो वीडियो मेमोरी की सेटिंग की है वो बिल्कुल सही की है। बट गाइज अगर आपकी GTA 5 लैग हो रही है और आप बिना सोचे समझे उसकी वीडियो मेमोरी कम करने लगे हो तो आप सभी लोगों को भाई थोड़ा सा सोचने में बैठना पड़ेगा अभी। वेल तो गाइज यहाँ पर अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो मेरे पास 4 GB VRAM है मेरे ग्राफिक्स कार्ड में और मैं यूज कितनी कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ 2.5 GB के आसपास। तो गाइज यहाँ पर जो मेरे यहाँ पर GPU की यूसेज है वो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर वो यूसेज है 75%, 74%, 72% जो भी आ रहा है भाई। तो अब मेरे FPS देखो, मेरे FPS कितने हैं, मेरे FPS आ रहे हैं गाइज 54, 52, मतलब 50 से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब गाइज देख सकते हो यहाँ पर 60 के ऊपर भी जा रहे हैं FPS। तो गाइज इसका मतलब ये है कि मेरे GPU में अभी और भी हिम्मत बची है क्योंकि गाइज अभी वो 80% हुआ है भाई, मैंने पूरे पैसे दिए हैं, मैं तो 100% यूज करूंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जिसको देखकर आप सच में चौंकने वाले हो। वेल तो गाइज अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया गाइज 2.5 GB हो रही थी ना, मैंने बहुत कम कर दिया, जितना कम हो सकता था उससे भी कम कर दिया, ठीक है ना। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन हो रहा है। अब गाइज अगर मैं आपको गेम लाइव दिखाऊं तो मेरे FPS देखो भाई कितना फर्क पड़ा, झंड फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। 60 FPS के करीब आ रहे थे और 60 FPS के करीब ही आ रहे हैं और जहां पर मैं गया था जहां पर 50 के करीब आ रहे थे वहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ 50 वाली लाइन में आ जाना, मैंने दिखाता हूँ आपको। अब गाइज देखो मेरे 50 के करीब वही FPS आ रहे हैं भाई, FPS बिल्कुल सेम है भाई, कितने FPS का फर्क है, झंड फर्क नहीं पड़ा भाई। पहले भी 60 करीब आ रहे थे ना, अब देखो 60 के करीब आ रहे हैं मेरे FPS, ठीक है ना। और हाँ 50 की लाइन में आ जाते हैं जैसे पहले गाड़ी आ रही थी, देखो देखो आ रहे हैं ना। अब गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो FPS में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यार अपना मेरा GPU देखो, मेरा GPU आधे से भी कम यूज हो रहा है, ठीक है ना। देखो कितना कम यूज हो रहा है, वो हो रहा है 42-43%, ठीक है ना। बट गाइस मेरे FPS में झंड फर्क नहीं पड़ा मेरी वीडियो मेमोरी को कम करने से। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ गाइस कि जो वीडियो मेमोरी है ना उसको कम करने से FPS पे फर्क पड़ता है जरूरी नहीं है। आपको गाइस ऐसे स्टैटिस्टिक्स पर देखना है कि आपके जो GPU की यूसेज है वो कितनी, आपका GPU में हिम्मत है और चलाने की तो भाई आप वीडियो मेमोरी को बढ़ा सकते हो बिना कोई चिंता करे। जैसे देख सकते हो भाई 50-58 वही FPS है भाई, कोई फर्क नहीं। ऊपर से भाई मेरे ग्राफिक्स के अलग पड़े हैं, देखो ग्राफिक्स कितने कम हो गए हैं। अब गाइस देखो, अब देखो यहाँ पर खड़े होकर मुझे 61 FPS, 62 FPS आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको अपने सेटिंग्स को फिर से उतने कर दिखाता हूँ, मैं अब दिखाता हूँ आपको। अब गाइस देखो मैंने सेटिंग्स को 2500 से भी ऊपर कर दिया, यानी कि 1.5 GB से भी थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। अब मेरे FPS जितने पिछली बार आ रहे थे गाइस सेम आएंगे, देखना सेटिंग्स को बढ़ाकर भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई 60, 62, 61 सेम FPS, मेरा GPU ज्यादा यूज हो रहा है और यहाँ पर मेरे जो FPS है वो बढ़ गए हैं, ठीक है ना। उतनी मतलब बढ़ क्या गए मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ देखो बिल्कुल सेम FPS भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि अपनी वीडियो मेमोरी अगर आप कम में रखते हो तो गाइस आपके FPS ज्यादा आएंगे। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी GPU की पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पा रहे हो गाइस, उसके कारण देख सकते हो भाई बिल्कुल ग्राफिक्स बढ़ा दिए, देखो कितने मक्खन ग्राफिक्स हो गए हैं। और अब देखो मेरे FPS उतने ही आ रहे हैं, तो गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी वीडियो मेमोरी को कम कर देते हो, पड़ता है भाई। देखो मैं आपको बताऊं एक तरह से पड़ता है भाई, आपका CPU में भी भाई वो फर्क डालता है, ठीक है ना, वो तो पड़ेगा। अब गाइस यहां पर जरूरी नहीं होता कि आपके ग्राफिक्स कार्ड की प्रॉब्लम हो, ज्यादातर प्रॉब्लम होती है आपके प्रोसेसर या फिर आपके CPU की। अब गाइस आप सभी लोगों को अपना ग्राफिक्स कार्ड ज्यादातर यूज में लगाना है, बिकॉज जो आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है ना वो आप कभी टास्क मैनेजर में देखोगे तो गाइस सिंपल आपकी विंडोज रन होती है, आपका ग्राफिक्स कार्ड इतना ज्यादा यूज बिल्कुल भी नहीं होता, 0-1% ही यूज में रहता है। बट गाइज यहाँ पर जो आपका CPU होता है उसको बहुत ज्यादा काम करने होते हैं, इसीलिए आपका CPU बहुत ज्यादा यूसेज में रहता है।
इवन कि आप गेम खेल रहे हो या फिर नहीं। तो गाइस आपको किस पर ध्यान देना है, सीपीयू की कम से कम यूसेज हो एंड ग्राफिक्स कार्ड की ज्यादा से ज्यादा हो। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड के लिए फुल पैसे दिए हैं तो आप सभी लोगों ने गाइस ग्राफिक्स कार्ड को 100% यूज में लेना है। अब गाइस या तो वो 100% जो यूज होगा वो उसकी पूरी की पूरी वीडियो मेमोरी यूज करने के बाद होगा, या फिर आप कम ही वीडियो मेमोरी भी यूज करोगे तो भी आपका ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल फुल पोटेंशियल में रन कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड की हिम्मत वहीं तक है। आपको गाइस ध्यान रखना है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड 90-95 ही रहे, बिल्कुल 100 में भी मत लेकर जाना। अब गाइस इसके लिए आपको जीपीयू की तरफ वाली सेटिंग्स रखनी है जो कि जीपीयू पे स्ट्रेस डाले, ना कि आपके सीपीयू पे। अब गाइस आप सभी लोग दोनों को सही भी रख सकते हो, यानी कि दोनों 90-90 हो रहे हो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका सीपीयू बिल्कुल कम लोड में है और आपका ग्राफिक्स कार्ड पूरे लोड में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइस आपका कभी भी सीपीयू ज्यादा लोड में और ग्राफिक्स कार्ड कम लोड में नहीं होना चाहिए। अगर आपका सीपीयू फुल लोड ले रहा है बट आपका गाइस ग्राफिक्स कार्ड 40-50% यूज हो रहा है तो गाइस इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड में बहुत हिम्मत अभी भी बची है गेम को चलाने के लिए, बट आपका सीपीयू उसको फेवर नहीं कर रहा, तो आपको सीपीयू अपग्रेड करने की जरूरत है। तो गाइस ऐसे समझा करो, आपको गाइस स्टैटिस्टिक्स देखकर अपने पीसी के फिर समझना है, फिर उसको सेटिंग करनी है। बिना देखे सेटिंग मत करो। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूं कि आपको सिंपली ये देखना है पहले कि आपका कौन सी चीज प्रॉब्लम कर रही है, वैसी सेटिंग्स रखो और आपका लैग भी कम होगा, आपकी गेम भी अच्छी चलेगी। एंड गाइस अगर आप सब लोग GTA 5 की और लैग फिक्स वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप सभी लोग यहां पर मेरा चैनल चेक कर सकते हो, वहां पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जो कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी।